छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगभग 75 वीडियो कोच बस का काफिला रायपुर से कोटा के लिए रात में रवाना हुआ था, जो आज सुबह नरसिंहपुर जिले की करेली हाईवे पर रोका गया। इन बसों में ड्राइवर कंडक्टर के अलावा रेस्क्यू टीम के सदस्यों में पुलिस जवान एवं स्टाफ शामिल था। यह सभी बसें कोटा में रह रहे कोचिंग क्लासेस के बच्चों को लेने निकली हैं। सुबह चाय नाश्ते एवं फ्रेश होने के लिए इन बसों को नरसिंहपुर की करेली में स्थित राजमहल शादी गार्डन के पहले हाईवे पर ही रोका गया। सभी बसों को सैनिटाइज किया गया एवं बस में मौजूद स्टाफ राजमहल में अपनी दिनचर्या पूरी करने पहुंचा। इस दौरान लोगों में आश्चर्य का विषय बना रहा कि लॉकडाउन के समय इतनी भारी तादाद में बसे एवं बाहर का व्यक्ति शहर के नज़दीक कैसे घूम रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा एक पत्र जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम पर भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि बस में जा रहे सभी रेस्क्यू टीम के सदस्यों की समुचित व्यवस्था की जाए। रायपुर छत्तीसगढ़। तो कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ राजस्थान कोटा। किस वजह से? यही नोबेल जो हुआ है ना कोरोना वायरस, वो स्टूडेंट लोगों को वैसे लाने जा रहे हो तो वैसे बोलते हैं सब एक्टिव है, सही है। तो कितनी बसेज हैं? 70 से 75 बसें हैं छत्तीसगढ़ से राजस्थान कोटा। तो यहाँ रुकने का कारण क्या है? इसके रुकने कारण फ्रेश होने का और सैनिटाइजर गाड़ी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकील। सैनिटाइज की जा रही बसें क्या कारण? जब ये बाहर से आई हैं बसें, कारण सर सी ओ मैडम ने हम लोगों को भेजा है सैनिटाइज के लिए। कितनी बसें? टोटल 75 बस की चल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा कम लग रही है। कहाँ से आई हैं बसें? ये 70 साइड की। कहाँ जा रही हैं? मुझे नहीं पता, कोई बच्चे लोग आ रहे हैं। बच्चे लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं? हाँ, बच्चे लोग लेके आ रही हैं। हाँ। क्या नाम है आपका?